अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ टेंसेस, सिंपल सेंटेंस। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लेस मैनर रीज़न टाइम। आज हमारा सिक्स लेसन है इस टेंसेस में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। सेकंड पे एक्टिव सेंटेंस है, फार्मूला सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लेस मैनर रीज़न टाइम। इसके बारे में हमने पिछले लेसन्स में पढ़ा है। थर्ड पे है पैसिव सेंटेंस, फार्मूला ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लेस मैनर रीज़न टाइम। नोट, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस वो वाहिद टेंस है जिसके एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, बाकी तमाम टेंसेस में आता है। पीछे जो हमने तीनों किस्म के जुमले पढ़े हैं वो सवालिया भी हो सकते हैं और मनफी भी हो सकते हैं। अभी हम नेगेटिव पढ़ते हैं। फिक्र को मनफी बनाने का तरीका, किसी भी फिक्रे को मनफी बनाने के लिए इसमें हेल्पिंग वर्ब का होना ज़रूरी है। अगर पहले से हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो तो इसके साथ सिर्फ नॉट का इजाफा किया जाता है। मसलन, वो कॉलेज नहीं जा रहा, ही इज़ नॉट गोइंग टू कॉलेज इज़ हेल्पिंग वर्ब है। इंट्रोगेटिव, फिक्रे को सवालिया बनाने का तरीका। सवालिया जुमले दो तरह के होते हैं। नंबर एक, क्या, जिन जुमलों में क्या आता है से शुरू होने वाले जुमले। नंबर दो, क्या के अलावा या सवालिया अल्फाज वाले जुमले। अब बारी बारी इन दोनों जुमलों के फार्मूला को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या से शुरू होने वाले जुमले, ऐसे जुमले को सवालिया बनाने के लिए फिक्रे के शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। मसलन इसका फार्मूला है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लेस मैनर रीज़न टाइम। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द सेकंड सेंटेंस फार्मूला। पीछे हमने पढ़ा क्या, जिन जुमलों में क्या आता है, और इसमें हम पढ़ेंगे क्या के अलावा या सवालिया अल्फाज वाले जुमले। ऐसे जुमले के अंदर सवालिया अल्फाज होते हैं, मसलन कब, क्यों, कैसे, क्या, कहाँ, कौन वगैरह आते हैं। ऐसे जुमलों को सवालिया बनाने के लिए शुरू में सवालिया लफ्ज़ और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। क्या के अलावा या सवालिया अल्फाज वाले जुमले का फार्मूला इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लेस मैनर रीज़न टाइम। क्या वो कॉलेज जाता है, डज ही गो टू कॉलेज, डज हेल्पिंग वर्ब है, वो कॉलेज कब जाता है। When does he go to college? इसमें when जो है इंट्रोगेटिव वर्ड है और does जो है हेल्पिंग वर्ब है।